कॉम्प्लेक्स नंबर्स देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो यदि ए और बी अगर हम माने दो रियल नंबर्स हैं, तो एक नंबर जो ए प्लस आई बी फॉर्म में आप बनाएंगे, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 7 प्लस 2 आई, या फिर लिखा 1 प्लस 0, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि आई यहां पर लगा दीजिए, आई इंटू 0 0 ही होगा। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो अगर मैं कहूं जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो ए जो हुआ इसमें रियल पार्ट हुआ, और बी जो हुआ इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट इस जेड का। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप देखेंगे कि अमूमन हम इस जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर यहां पर देखा जाए तो रियल पार्ट 7 हो गया, इमेजिनरी पार्ट आपका 2 हो गया। इसी तरीके से एक चीज आती है प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है उसको हम प्योरली रियल कहेंगे यदि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी कि ये जैसे आपने यहां देखा ना, ये वाला इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, तो ये प्योरली रियल हो जाएगा। और ऐसा नंबर जिसका उसको हम प्योरली इमेजिनरी तब कहेंगे जब रियल पार्ट 0 होगा, जैसे 0 प्लस 10 आई कर दीजिए आप, तो ये इसका रियल पार्ट 0 हो गया। ऐसी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम हर चीज को सेट के सेट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से बताते हैं। इसको इस तरीके से लिखते हैं ए प्लस आई बी, इस फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर ए और बी ये आर को बिलोंग करता है, यानी कि रियल नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये रियल नंबर होने चाहिए, क्योंकि ये जो रियल नंबर ए है, कोई भी एक रियल नंबर ए है, इसको आप कभी भी ए प्लस 0 आई लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर अपने आप कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर के साथ 0 आई तो लगा ही सकते हैं ना आप। इसका मतलब रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर है आपका रियल नंबर, ये सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आप कहें कि इक्वालिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी क्या होती है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने कहा जेड वन इक्वल टू ए वन प्लस आई बी वन, और जेड टू कहा ए टू प्लस बी आई बी टू, तो ये दो आपके जेड वन जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। ये बराबर तब होंगे जब ए वन बराबर ए टू होगा और बी वन बराबर बी टू होगा। यानी कि अगर आपने कहा कि जेड वन हो गया 2 माइनस आई वाई, और जेड टू आपने कहा x प्लस 3 या x प्लस 3 आई, तो क्योंकि x ये दोनों बराबर आप कह रहे हैं z1 इक्वल टू z2, तो इसका मतलब होना चाहिए कि x 2 के बराबर है और y जो है वो -3 के बराबर है, क्योंकि -y 3 के बराबर है, तो y -3 के बराबर है। इस तरीके से आप इक्वालिटी इसमें एस्टैब्लिश करेंगे। एडिशन क्या होता है, एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे Z1 आपने A1 प्लस आई बी वन कहा, Z2 आपने A2 प्लस बी आई बी टू कहा। मैं इसको एग्जाम्पल के तहत समझाता हूं आपको। जैसे Z1 आपने कहा 2 प्लस 3 आई है, और Z2 कहा कि 3 माइनस 2 आई है, तो Z1 प्लस Z2 कैसे होगा, इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ दीजिए 2 प्लस 3, और क्या करेंगे फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ दीजिए, यानी कि ये 3 हो गया और ये माइनस 2 हो गया आई, तो ये बना आपका 5 प्लस आई, ये आपका एडिशन हो गया। तो प्रॉपर्टीज क्या है एडिशन की, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का देखा जाए, तो पहली चीज है इसमें कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि जेड वन प्लस जेड टू बराबर जेड टू प्लस जेड वन होगा। इसी तरीके से दूसरा है एडिशन जो है वो एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब ये होगा कि जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री यहां लिखे, और यहां पर जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री यहां लिखे, तो पहले Z1 प्लस Z2 को जोड़ के Z3 से जोड़े, या फिर Z1 को Z2 प्लस Z3 के साथ जोड़े, ये बात बराबर हो जाएगी। ऐसी एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी आती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आई लिख सकते हैं ना, आई इंटू 0, इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं एडिशन की। यानी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ 0 जोड़ा जाए
तो जीरो लौट के चला आएगा, जीरो ही लौट के आएगा। तो इसका मतलब जो है कि ये जीरो जीरो प्लस आई जीरो ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ऐसी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए आई बी के लिए माइनस z जरूर होता है, या माइनस z हम बना सकते हैं। यानी कि अगर जैसे z आपने कहा कि हमारा a प्लस आई बी है, तो माइनस z होगा, ये क्या होगा, माइनस a, माइनस कर दीजिए बस, प्लस i इंटू माइनस b, ताकि z प्लस माइनस z, यानी कि z माइनस z, ये आपका जीरो होना चाहिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि z प्लस माइनस z का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, a माइनस a हो जाएगा जीरो और b माइनस b हो जाएगा जीरो, तो जीरो प्लस आई जीरो, इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जो होता है, अगर z है तो माइनस z, माइनस z इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जब हम बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो अगर आप, मैं इसको एग्जांपल के तहत समझाता हूं। जैसे z1 आपके पास माइनस टू प्लस थ्री आई है और z2 आपके पास फोर प्लस फाइव आई है, तो z1 माइनस z2 क्या होगा, आप इसको ऐसे लिखिए, माइनस टू प्लस थ्री आई, और ये वाला टर्म हो गया। और अब आप क्या करेंगे कि क्या इसको z1 माइनस z2 कैसे करेंगे, तो z1 माइनस टू के लिए आप इसको सीधा माइनस कर सकते हैं पहले, तो ऐसे माइनस z2 यानी कि फोर प्लस फाइव आई, तो पहले रियल टर्म को ले लीजिए माइनस टू माइनस फोर, और यहां पर ले लीजिए प्लस आई थ्री माइनस फाइव, तो क्या बनता है ये माइनस सिक्स माइनस टू आई, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ऐसी मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको हम कहते हैं जेड वन इंटू जेड टू। तो इसमें बनेगा कैसे, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए, पहले मैं इसको समझाता हूं फिर एक एग्जाम्पल लेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास अगर z1 है a a1 प्लस आई बी वन, आप इसमें z2 का मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं, जैसे a2 प्लस आई बी टू, तो इसका उत्तर जो आता है वो किस तरीके से आएगा, a1 a2 माइनस b1 b2 और प्लस आई ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन। ये कैसे आएगा देखिए, ए वन ए टू से मल्टीप्लाई करिए, अब ए वन को इससे मल्टीप्लाई करिए, प्लस आई ए वन बी टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आएगा, प्लस आई बी वन ए टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर होता है माइनस वन, आई स्क्वायर हो गया, और ये बी वन बी टू, तो ए वन ए टू, और क्योंकि आई स्क्वायर माइनस वन हो गया, तो ये बी वन बी टू इसके साथ ले आइए, माइनस बी वन बी टू, अब क्योंकि इन दिनों में आई कॉमन है तो प्लस आई कॉमन ले लीजिए, ए वन बी टू प्लस बी वन ए टू, यही चीज आ गई, ये मल्टीप्लीकेशन है आपका। प्रॉपर्टीज क्या है मल्टीप्लीकेशन की, प्रॉपर्टीज ये है, पहला मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है, यानी मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव का मतलब जेड वन जेड टू को मल्टीप्लाई करें या जेड टू जेड वन को मल्टीप्लाई करें, दोनों बराबर होंगे। इसी तरीके से एसोसिएटिव है, यानी जेड वन जेड टू जेड थ्री, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करें, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करें, आपका रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरीके से एग्जिस्टेंस है आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जैसे मैं कहूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसमें z इंटू वन इक्वल टू वन इंटू z इक्वल टू z आना चाहिए, यानी आपका z इक्वल टू वन प्लस i इंटू जीरो, ये वन ही तो हुआ, तो ये वन जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट हम इसको कहते हैं, वन को हम इस वन को हम वन प्लस आई जीरो लिख सकते हैं। ऐसे आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा कि जेड इंटू जेड वन, ऐसा कोई जेड चूज करिए कि आप जेड वन से मल्टीप्लाई करें तो वन आना चाहिए, और इसी तरीके से आप जेड वन को जेड से मल्टीप्लाई करें तो वन आना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं कि ये इसका क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब आप देखिए ये निकलेगा कैसे, मैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं z इंटू जेड वन इक्वल टू वन आना चाहिए, तो z को तो हम a प्लस आई भी लिख सकते हैं, चलिए z1 को हम ए एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं, ये वन आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसका मल्टीप्लीकेटिव मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ए एक्स माइनस बी वाई, आप समझ सकते हैं कि अभी अभी मैंने मल्टीप्लाई किया था, उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस आई इंटू ए वाई प्लस बी एक्स, इस वन को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस आई जीरो। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं, इसको इससे, मतलब ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू वन,
और ए वाई प्लस बी एक्स, ये एक्स है इक्वल टू जीरो। अब इनको अगर हम एक्स और वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एक्स आपका आएगा ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे पूरा यकीन है कि आप ये एक्स और वाई के लिए सॉल्व कर लेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है, तो वाई जो आएगा आपका माइनस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यानी कि फाइनल आपका जो ये आने वाला है जो जेड आएगा वो आएगा बेसिकली ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा आपका। तो इसको हम जेड को, या कहें जेड को हम जेड मल्टीप्लिकेटरी इनवर्स को जेड के हम जेड इनवर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जेड इक्वल टू वन बाय जेड और यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आना चाहिए, तो इस तरीके से हम वन बाय जेड लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर के। जैसे आप कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए जेड वन और डॉट जेड वन प्लस जेड थ्री, इसका मतलब होता है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जेड वन जेड, ये जेड टू है, जेड वन जेड टू और ये जेड वन जेड थ्री, ये मल्टीप्लीकेशन का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है एडिशन पे। और इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड थ्री, तो यही बात आप रिपीट कर देंगे। ऐसे ही आपका आता है डिवीजन। डिवीजन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड वन बाय जेड टू, तो इसमें क्या कर सकते हैं जेड वन लिख सकते हैं, अब जेड टू को हम लिख सकते हैं जेड टू इनवर्स। यानी हम क्या करेंगे जेड वन लेंगे और जेड टू के जो इनवर्स है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे जेड वन आपका है टू प्लस थ्री आई और Z2 आपका है 1 प्लस टू आई, तो Z1 बाय Z2 आपको निकालना है, यानी कि Z1 इंटू वन बाय Z2 निकालना है। तो Z1 की जगह हम 2 प्लस थ्री आई लिख देते हैं, Z2 की जगह हम लिख देंगे 1 बाय 1 प्लस टू आई, राइट। अब 1 प्लस टू आई, अब आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको बताया था ये कैसे निकल के आएगा, इसका जो 1 बाय Z निकलेगा वो निकलेगा 1, मतलब Z इनवर्स जो निकलेगा इसका वो निकलेगा A बाय, अगर ये A प्लस आई भी है तो निकलेगा a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी, ये भी अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर रखेंगे वन और ये वन और टू की यहाँ रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा टू प्लस थ्री आई, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ, वन और टू यहाँ रख के देखेंगे तो आपको मिलेगा वन बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव आई। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लीकेशन आपको पता ही है। फाइनल रिजल्ट का जो इसका आएगा वो एट बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव आएगा। एक एक करके मल्टीप्लाई करिए, टू टू इंटू वन बाय फाइव ऐसे कर लेते हैं इसको, टू टू इंटू वन बाय फाइव माइनस टू इंटू टू बाय फाइव यानी कि फोर बाय फाइव आई, और थ्री थ्री इंटू वन बाय फाइव आई, और फाइनल मल्टीप्लीकेशन आई स्क्वायर माइनस वन कर देते हैं, आई स्क्वायर माइनस वन होगा और माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री सिक्स बाय फाइव। अब इसको जोड़ेंगे टू बाय फाइव को और सिक्स बाय फाइव को तो आपका ये आएगा एट बाय फाइव, और थ्री बाय फाइव को माइनस करेंगे फोर बाय फाइव से तो माइनस वन बाय फाइव आएगा। ये आपका हो गया डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसी हम कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे आप जेड लिखते हैं ए प्लस आई बी, तो जेड बार से हम कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करेंगे, बस ये सिंपल ए माइनस आई बी हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने थ्री प्लस फोर आई जेड माना है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा थ्री माइनस फोर आई, बस इतना ही करना है। जेड ये है तो जेड बार आपका ये हो जाएगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, एक तो z बार का बार अपने आप z आ जाएगा, z और z बार को ऐड करेंगे यानी कि कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो ट्वाइस रियल z आ जाएगा। ऐसी z को माइनस करेंगे z बार से तो ट्वाइस i इमेजिनरी z आ जाएगा, इमेजिनरी z मतलब इमेजिनरी पार्ट z का। इसी तरीके से अगर आप z और बराबर है z बार के, अगर ये इसके बराबर है तो इसका सिंपल मतलब है कि z केवल रियल है। अगर z प्लस z बार जीरो है तो इसका मतलब z पूरी तरह इमेजिनरी है। ऐसी z इंटू z बार, इसका मतलब इसका अगर रिजल्ट निकालना चाहे तो आपका आएगा रियल पार्ट लीजिए z का, इसको कर दीजिए स्क्वायर और फिर इमेजिनरी पार्ट लीजिए इसको स्क्वायर कर दीजिए, बस ये इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसी अगर आप z प्लस z1 प्लस z2 इसका बार टोटल का लिख रहे हैं तो उसको आप लिख सकते हैं z1 बार प्लस z2 बार, ये लिख सकते हैं। Z1 माइनस Z2 का अगर बार करेंगे तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, Z1 का बार माइनस Z2 का बार। इसी तरीके से Z1 इंटू Z2 इसका बार लिखते हैं तो Z1 का बार Z2 का बार ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे Z1 बाय Z2 का टोटल बार है
तो उसको अलग कर सकते हैं जेड वन बार बाय जेड टू बार। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इसको जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर आता है आपका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसको हम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे लिखते हैं, जैसे z है इसका हम ये मॉड्यूलस निकालते हैं, तो इसका सीधा मतलब हो जाएगा कि अगर आपका z इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो इसका मॉड्यूलस होगा आपका सिंपल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इतना ध्यान रखना है, मतलब रियल पार्ट लीजिए इमेजिनरी पार्ट लीजिए दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ये आपका मॉड्यूलस होगा। जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ, जेड आपका अगर जेड वन थ्री माइनस फोर आई है तो मॉड ऑफ जेड वन होगा इसका थ्री और इसका माइनस फोर, प्लस कर दीजिए अंडर रूट कर दीजिए, थ्री स्क्वायर आएगा नाइन, फोर आएगा सिक्सटीन, अंडर रूट कर दीजिए 25 आ जाएगा, अंडर रूट 25 ये 5 आ जाएगा। इस तरीके से मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप बना सकते हैं। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलस की, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपका जो अगर z मॉड्यूलस अगर 0 है तो इसका मतलब है z आपका 0 होना चाहिए, मतलब रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 है। इस तरीके से मॉड z अगर मॉड z बार के बराबर है तो ये सीधा मतलब है कि ये माइनस z के बराबर होगा, और अगर z डॉट z बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड z का होल स्क्वायर आएगा। z1 z2 का अगर मल्टीप्लाई करके मॉड लेंगे तो इसका मतलब ये है कि z1 का अलग से ले लीजिए मॉड और z2 का अलग से मॉड ले लीजिए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ बताते हैं, इसी तरीके से अगर आप z1 बाय z2 इसका मॉड ले रहे हैं तो आप इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, z1 का मॉड और z2 का मॉड। अगर z1 प्लस z2 का मॉड का होल स्क्वायर कर रहे हैं आप तो z1 का होल स्क्वायर मॉड करके z2 का मॉड करके होल स्क्वायर और प्लस 2 रियल पार्ट z1 इंटू z2 का बार, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से z1 माइनस z2 इसका अगर आप मॉड लेके स्क्वायर कर रहे हैं तो z1 का होल स्क्वायर मतलब z1 का मॉड लेके होल स्क्वायर, z2 का मॉड लेके होल स्क्वायर माइनस, यहाँ आएगा माइनस 2, यहाँ रियल पार्ट आएगा किसका, z1 डॉट z2 बार का। और अगर z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर करेंगे और z1 माइनस z2 का फिर आप निकालेंगे मॉड और फिर होल स्क्वायर करेंगे, ये प्लस है माइनस है, तो इसका रिजल्ट आएगा 2 z1 का मॉड लेके स्क्वायर और z2 का मॉड लेके स्क्वायर, ये आएगा। ऐसे अगर आपके पास कोई a और b रियल नंबर है तो a z1 माइनस b z2 इसका मॉड लेके स्क्वायर करिए और जोड़िए इसका b z1 प्लस a z2 ऐसा स्क्वायर करिए तो आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर z1 का मॉड लेके स्क्वायर फिर z2 का मॉड लेके स्क्वायर, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है। और इसका जो एग्जांपल है वो हम जब एग्जांपल देखेंगे एक्चुअल एक्सरसाइज पे जाएंगे तब आप देखेंगे। ऐसी एक और चीज़ बताना चाहूँगा वो है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे z है a प्लस आई बी, तो रेसिप्रोकल क्या है, 1 बाय z जिसको हम 1 बाय a प्लस आई बी है। अब आपको मैंने एक तरीका बताया था कि ये कैसे आएगा, है ना, 1 बाय z कैसे निकलता है, मैं इसको दूसरा तरीका बताता हूँ। आप क्या करिए, ऊपर नीचे a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्योंकि ये a माइनस आई बी, a माइनस आई बी ऊपर आएगा और ये इसको बस ऐसे मान के चलिए x प्लस वाई है या x माइनस वाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ये, है ना, यानी कि ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस ए माइनस बी है तो हो जाएगा ए माइनस आई बी और ए स्क्वायर। अब से देखिए ये आई स्क्वायर तो माइनस वन हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इनको अलग अलग कर लीजिए, ये हो जाएगा ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आई माइनस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको याद होगा ये हमने पहले भी देखा था। अब ये तरीका इस तरीके से निकालने का, यानी कि जो 1 बाय जेड है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड का वो सेम होता है जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल, और इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं जेड बार बाय मॉड ऑफ जेड, क्योंकि अभी हम मॉड सीख चुके इसलिए मॉड जेड एब्सोल्यूट वैल्यू इसका स्क्वायर और ऊपर आपका जेड बार कॉन्जुगेट, तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये कुछ बातें हुई आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की और हम कोशिश करेंगे कि इसके आगे कुछ और भी इसमें जैसे कुछ और टर्म्स आते हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करने की कोशिश करेंगे वो आएंगे इसमें। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूँ तो स्क्वायर रूट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और तम रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो एक
और डिस्कशन हम करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।